उत्तराखंड में फैला अवैध खनन का जाल, कैग रिपोर्ट ने उठाए थे कई सवाल, आखिर कौन है जिम्मेदार। खबर हरिद्वार से, जहां आपको बताते चले कि आज बात करते हैं अवैध खनन की, जिसे कई तरह से खनन माफियाओं द्वारा वर्षों से किया जा रहा, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी तमाम सवालों को जन्म देती है। उत्तराखंड सरकार ने टेंडर जारी कर भले ही 6 वर्षों के लिए खनन काम निजी कंपनियों को सौंप दिया हो, लेकिन संबंधित विभाग की आमदनी का जरिया बना परमिशन आज भी जारी है, जिसके चलते परमिशन के आड़ में अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर फल फूल रहा है। डांडी चौक से करीब 100 कदम की दूरी पर परमिशन की आड़ में धड़ल्ले से खनन जारी है। परमिशन कहाँ की और किसके नाम की है, खनन कहाँ किया जा रहा है, इससे जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्र शहर में बड़ी संख्या में अवैध भंडारण संचालित होने के चलते यह उपखनिज की आपूर्ति सरकारी निर्माण एजेंसियों को भी कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकारी निर्माण एजेंसियां बिना पास के ही उपखनिज के प्रयोग की अनुमति ठेकेदारों को देती है, लिहाजा ऐसे प्रकरणों में रॉयल्टी भी जमा नहीं कराई जाती है। कैग ने भी इस तरह के प्रकरण पकड़ते हुए बताया था कि सरकारी निर्माण एजेंसियों ने 37,17,000 मेट्रिक टन सामग्री के उपयोग की अनुमति बिना पास के दे दी, जिससे 104 करोड़ 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब देख लीजिए अगले हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।